सो गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा ये ब्लॉग जो है वो BPUT पे होगा। BPUT स्टैंड्स फॉर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, BPUT जो है वो चेन कॉलोनी अभिज्ञान चौक के जस्ट अपोजिट में है और ये रौलकला रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर दूर होगा। एंड वी ऑल नोज कि रौलकला जो है वो वेल कनेक्टेड है बाय रोड एंड रेलवेज विद भुवनेश्वर, संबलपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो रौलकला और झारसुगड़ा है। रौलकला का भी बना नहीं है, झारसुगड़ा का ऑलमोस्ट रेडी। एंड देन हियर वी गो। हेलो चिटचैट फैमिली, वी आर योर चिटचैट गर्ल्स। और ये है हमारा 4th व्लॉग और हम लोग आ गए हैं आपके लिए BPUT कैंपस। तो इस ब्लॉग पे हम लोग BPUT कैंपस का आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं और यहाँ पे थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि यहाँ पे किस टाइप की पढ़ाइयाँ होती है, क्या क्या होती हैं, कितने कॉलेजेस इसके अंदर हैं एंड ऑल। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये BPUT का एंट्रेंस है। सबसे पहले हम लोग आपको सिक्योरिटी सिस्टम दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे दो मेन गेट हैं, एक एंट्रेंस और एक एग्ज़िट। दोनों पे सिक्योरिटी सिस्टम उनकी काफ़ी अच्छी है। ये स्टैचू सर बीजू पटनायक जी की है और ये उनका फिटनेस पार्क है और आप इसको योगा सेंटर भी बोल सकते हो। BPUT के एस्टैब्लिशमेंट 21 नवंबर 2002 को हुआ है थ्रू एन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और इसके साथ साथ ये वाइस चांसलर की भी ऑफिस है। आप ये पिक में सर APJ अब्दुल कलाम जी को देख रहे हैं। सो मैं आपको बता दूँ, द BPUT जो है took its birth in year 2003. तो BPUT का जो फाउंडेशन स्टोन था वो लेट डॉक्टर सर APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों हुई थी। BPUT जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शुरू हुआ। अब BPUT के अंदर 137 कॉलेजेस हैं और ये टुडे आज के डेट पे इट्स अ प्राउड यूनिवर्सिटी जो ऑफर करता है PhD, मास्टर डिग्री एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन द एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग फॉर मैनी मोर। ये आपका नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम है। इट इज़ अ सेंटर फॉर एडवांस्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि द यूनिवर्सिटी ऑफ BPUT बिलीव्स इन थिंक गुड, डू गुड, बी गुड फिलोसफी। तो ये जो है ये BPUT का बैक साइड व्यू है और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा था। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब अब कोई भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाएँ तो ऑब्वियस उनका दिल बहुत अच्छे से लगने वाला है। ये आपका CIPET कैंपस है। CIPET स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इसके अंदर में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो CIPET के बाहर एक बोर्ड लगा था जहाँ पे लिखा था गंगा हॉल ऑफ रेसिडेंस। अब आप देख रहे हैं गंगा हॉल ऑफ रेसिडेंस का बैक साइड व्यू एंड यू कैन सी कि बैक साइड व्यू बहुत अच्छा है। सो बेसिकली जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट्स के लिए, सो BPUT इज़ द बेस्ट एवर प्लेस फॉर एजुकेशन एट रौलकला। सो दे कैन ग्रैब दिस सीट्स ओवर हियर। BPUT की लोकेशन जो है वो चेन कॉलोनी रौलकला है। इसका कैंपस जो है वो अर्बन टाइप है। सो ये जो है ये रेसिडेंस ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर का है जो है सर चित्तरंजन त्रिपाठी जी। सो गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मतलब बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है।
सो अब हम लोग आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है और आप जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा यहाँ पे। अगर आपको BPUT से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल देंगे, डू चेक आउट। तो ये है अभिज्ञान चौक जिसके अपोजिट BPUT है। हम दोनों यहाँ पे इसलिए बैठ गए थे क्योंकि हम दोनों थक चुके थे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट शेयर करके, और हमें डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल बिकॉज हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उस पर ज़रूर क्लिक करें। नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो थे उनका ये कंप्लेन था कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे वीडियोस देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा गाइस। प्लीज़ हम लोग के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमारे एक वीडियो को बनाने में, तभी आप लोग को एंटरटेनमेंट होता है ना। प्लीज़ सो गाइस प्लीज़ डू लाइक, क्योंकि हम लोग सच में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो पे। या प्लीज़ तब तक के लिए हम दोनों को मिस करते रहे, एंड अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआ में याद।